नमस्कार भाइयों, मैं परवेश वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसे लाखों रुपए कमा सकते हैं। साथ ही भाइयों, ये भी बताऊंगा जो एक बहुत आम क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी समस्या रहती है कि मार्केटिंग कहां करें। तो मार्केटिंग के बारे में भी आज मैं आपको इसमें बताऊंगा किस तरह से कहां कहां आप मार्केटिंग कर सकते हैं, और साथ ही अपने जो प्रोडक्ट है वो किस रेंज में आप इसको बेच सकते हैं। साथ ही भाइयों, यही बताऊंगा क्या आपको इससे समस्या आने वाली है, क्या आपका इसमें इशू होगा, क्या इसमें दिक्कतें होंगी। तो सारी बातों पे आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी साइट पे आए। मेरा नाम उत्कर्ष त्यागी है, मैं सजग ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। हम मेरठ में गढ़ रोड पर किन्ना नगर गाँव में वर्मी कम्पोस्टिंग का कार्य कर रहे हैं। आज से 2 दशक पहले मेरी माता जी डॉक्टर मोनिका त्यागी एवं मेरे पिताजी श्री अमित त्यागी ने 5 किलो केचुए के साथ में कार्य शुरू करा था, जो आज 3 एकड़ में फैला हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स वर्मी कंपोस्टिंग का बिजनेस करना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, और कैसे एक वर्मी कंपोस्टिंग बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सर, जब उन्होंने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो उनको कैसे पता लगा था कि वर्मी कंपोस्ट भी कुछ होता है, तो ये आइडिया उनको कैसे आया था वर्मी कंपोस्ट का? बैंगलोर में एक मैडम है, उनका लेक्चर मेरी माता जी ने अटेंड किया था, जो रूरल सस्टेनेबिलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे था। तो उसमें वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रोजेक्ट था जिसको उन्होंने हाईलाइट किया था। तो वहाँ ये वो लेक्चर अटेंड करने के बाद में उनके दिमाग में आया कि आने वाले वक्त में 5 साल 10 साल बाद में इसका काफ़ी स्कोप है, ये बूम पे आएगा इस प्रोडक्ट का मार्केट। वहाँ से हमने 2 बेड से वर्मी कंपोस्टिंग स्टार्ट करी थी, जो आज करीब हमारे पास 350 बेड यहाँ आप देख सकते हैं जो हैं। मंथली प्रोडक्शन हमारा इन बेडों में से करीब 150 से 200 टन के बीच में रहता है जी। तो सर, जब ये डिसाइड करा कि वर्मी कंपोस्ट ही करना है, तो उस टाइम पर माइंड में काफ़ी क्वेश्चन चल रहे होंगे कि मार्केट कहाँ बनाएं, कहाँ बेचें, प्रॉफिट होगा नहीं होगा, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, तो वो सब क्या चल रहा था उस टाइम माइंड में, जो कि हर भाई के या हर जो फार्मर है जिसको स्टार्ट करना चाहता है उसके मन में होता है कि अब स्टार्ट तो कर लिया है लेकिन बेचेंगे कहाँ पर? देखिए, जब भी आप कोई नया काम इस्टेब्लिश करते हैं या नया काम स्टार्ट करते हैं, 2 प्रश्न आपके दिमाग में ज़रूर आएंगे। पहला, इसका मार्केट साइज़ क्या है, जो काम हम आज करना चाह रहे हैं उसका मार्केट में स्कोप इस समय क्या है, आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है। उसको स्टडी करने के बाद में हम एक कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, इतना इस मार्केट में बूम है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें, तो 2019 में 6.9 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट था, और 2026 में 13.6 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट प्रोजेक्टेड है, नंबर एक जी। दूसरी चीज़ आपको किसी भी व्यवसाय को शुरू करते हुए ध्यान में जो देनी पड़ेगी कि इसकी प्रोडक्शन कैसे होगी। इसकी प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्शन नॉलेज सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस पे आता है। सर, उन दिनों आपको क्या क्या समस्या आई हैं जब आपने काम स्टार्ट किया था, चाहे वो मार्केटिंग की हो, चाहे वो लेबर की हो, चाहे वो किसी चीज़ की नॉलेज हो, अर्थवॉर्म की नॉलेज हो, सब मतलब क्या चुनौतियाँ बेसिकली क्या आई हैं? जब भी आप कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं, तो आपके दिमाग में प्रश्न आता है कि इसका मार्केट क्या है, ये मार्केट हम कहाँ करें, इसको बेचें कहाँ। तो वर्मी कंपोस्ट के 2 प्राइमरी मार्केट आते हैं, एक आता है आपका रूरल मार्केट, एक आता है आपका अर्बन मार्केट। रूरल मार्केट में आप किसको केटर करेंगे, आप किसान को केटर करेंगे, तो वो सबसे बड़ा मार्केट है हमारा रूरल एरिया, जो किसान है। तो किसान को मार्केट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको एजुकेट करें, आप उसको अवेयरनेस प्रोवाइड करें कि वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल क्यों करनी है, वर्मी कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्ट कैसे इस्तेमाल करनी है, रासायनिक कीटनाशक और खाद से दूर क्यों जाना है, और जैविक की तरफ शिफ्ट क्यों होना है जी। अर्बन मार्केट को केटर करने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग प्लस क्वालिटी ऑफ योर वर्मी कंपोस्ट को बहुत अच्छे से मेंटेन रखें, ताकि जो हमारे हाउस होल्ड हैं, जो 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो माल खरीदते हैं हमसे, वो सेटिस्फाइड रहें जी। सर, आप अपना माल कहाँ कहाँ और किस रेट पे सेल करते हैं? सर, हमारा आज की तारीख में जो मार्केट है वो 16 स्टेट में फैला हुआ है। हम बल्क पैकेजिंग जो 40 kg वाली रहती है, और छोटी पैकेजिंग 1, 2, 5, 10, 20 उसको भी केटर करते हैं जी। 6 रुपये से लेके 20 रुपये तक हमारा एक प्राइस रेंज रहता है। अगर आप बल्क के में लेते हैं, 40 kg लेते हैं, तो 6 रुपीज़ पर kg है। अगर आप छोटी पैकेजिंग लेते हैं 1 kg, तो आपकी 20 रुपीज़ पर kg जी। तो सर, अगर क्वालिटी की बात करें, आप इतने टाइम से कर रहे हैं, तो
आपको क्या लगता है आपकी क्वालिटी के बारे में क्या सजेशन है, मतलब दूसरों से कैसे अलग है आपकी क्वालिटी? सर, क्वालिटी के लिए FCO की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो हम मेंटेन करते हैं, जिसमें चाहे आपको वो मॉइस्चर हो या आपके बैक्टीरियल कंटेंट हो उसमें या पैथोजन कौन कौन से एब्सेंट हैं, वो सारी चीज़ों को हम मॉनिटर करते हैं। कैसे? हर 3 महीने बाद एक जो हमारा नया बैच होता है उसकी हम टेस्ट रिपोर्ट कराते हैं, जिसमें आपके क्या क्या उसमें कॉन्टेंट हैं उसका टेस्ट होगा, कौन कौन से पैथोजन उसमें एब्सेंट हैं उसका टेस्ट होगा, कौन कौन से बैक्टीरियाज जो हमारे को अपनी वर्मी कंपोस्ट में मौजूद चाहिए उनकी प्रेजेंस है या नहीं है उसका टेस्ट करवाते हैं। फिर हमारी कंपोस्ट का पीएच क्या है, उसका मॉइस्चर क्या है, सस्टेन कितने लंबे टाइम तक कर सकते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ कैसे मेंटेन करें, इन सारी चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं ताकि हमारी क्वालिटी एंड यूज़र के लिए सेटिस्फैक्टरी रहे। तो सर, जब आपने स्टार्ट किया था तो कितने बेड से स्टार्ट किया था और कितना इन्वेस्टमेंट आया था उस समय और क्या प्रोडक्शन थी सर? इनिशियली जो हमने स्टार्ट किया था वो 2 बेड से किया था। मेरे माताजी ने एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह वर्मी कंपोस्टिंग को स्टार्ट किया था, इवेंचुअली जो मेरे पिताजी ने ज्वाइन किया। आज की तारीख में ये हमारे करीब 350 बेड हैं। एक बेड की जो कॉस्टिंग आती है वो करीब 10,500 रुपये आती है, एक 30 फीट 30 फुट लंबे 4 फुट चौड़े बेड की जो कॉस्ट आती है। सर, प्रोडक्शन क्या है आज की डेट में आपका? एक बेड में जितना आप गोबर इस्तेमाल करेंगे उसके 50% के करीब आपको आउटपुट मिलेगा। जी, एक 30 फीट का जो बेड है उसमें 1500 kg गोबर इस्तेमाल होता है, जिसमें से 600 से 650 किलो आपको खाद तैयार होके मिलती है। हमारी साइड पे हम मंथली प्रोडक्शन 125 से 200 टन का कर लेते हैं, जो पर्टिकुलरली एक साइड। टिल डेट हमने इंडिया में करीब 15,000 यूनिट एस्टेब्लिश करवा दिए हैं, जो ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट्स में मौजूद हैं। तो सर ये बताइए, जो भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है वो डरता है कहीं ना कहीं, कैसे स्टार्ट करें, माल बिकेगा नहीं बिकेगा, कहाँ बेचें, तो सर क्या आप उसको सजेस्ट करना चाहते हैं? देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए आपको 2 चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। पहले कि आपके घर में वर्मी कंपोस्ट कितने की तैयार पड़ी, उसके बेसिस पे आप बताएंगे कि आप वर्मी कंपोस्ट कितने की बेचेंगे। तो पहले उसको ध्यान देने के लिए आपका गोबर कितने का आ रहा है, आपकी लेबर कितने की लग रही है, आपकी छनाई कॉस्ट क्या आ रही है, आपकी पैकेजिंग कॉस्ट क्या आ रही है, आपकी लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट क्या आ रही है, वो सारी कैलकुलेट करके पर केजी कॉस्ट ऑफ वर्मी कंपोस्ट आपको डिराइव करनी पड़ेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट आपका फंडा रहता है, आपके पास में प्रोडक्ट नॉलेज 100% होनी चाहिए कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, क्यों इस्तेमाल करनी है, क्या उसके फ़ायदे हैं, रासायनिक कीटनाशक और केमिकल वाली खाद से वो कैसे बेहतर है, क्यों किसान को जैविक की तरफ जाना चाहिए। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो वर्मी कंपोस्टिंग के बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। सर, अगर प्रॉफिट की बात करें तो इसमें कितना प्रॉफिट होता है एक बेड से? एक बेड में आप जितना गोबर इस्तेमाल करेंगे उसका 40% आपको आउटपुट मिले। आपकी पर केजी कॉस्ट 3.5 रुपीज से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, इन एनी केस उसके लिए क्या बारीकियाँ हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, आपकी चाहे वो गोबर की कॉस्ट है या आपकी लेबर की एफिशिएंसी क्या है, आपकी पैकेजिंग कॉस्ट क्या है, आपकी छनाई कॉस्ट क्या है, आपकी वाटरिंग कॉस्ट क्या है, ये सब आप एक बैलेंस रखें और 3.5 रुपीज़ पर केजी का टारगेट अचीव करें। जी, जब ये अचीव होता है तो आपकी जो एक सेलिंग प्राइस आती है एक बल्क क्वान्टिटी की पर केजी कॉस्ट, वो आती है 6 रुपये। तो मोटा मोटा अगर आप देखें ऑन एन एवरेज आप 80% to 100% का प्रॉफिट मार्जिन 1 kg ऑफ कंपोस्ट पे डेवलप कर सकते हैं। सर, ये बताइए, प्रॉफिट की बात हो गई, मार्केटिंग की बात हो गई, इसको करने के कौन कौन से तरीके हैं, किस किस तरह से की जाती है, क्या क्या मेथड हैं इसको करने के? वर्मी कंपोस्टिंग करने के 4 मुख्य मेथड हैं। पहला आता है आपका अपर पिट मेथड, दूसरा आता है आपका डीप पिट, तीसरा आता है आपका HDPE प्रोपलीन बेड मेथड, चौथा आता है आपका विंड्रो मेथड। पहले मेथड की बात करें जो अपर पिट मेथड है, उसमें एक हौदी जैसा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, 20x4x2 का सीमेंटेड स्ट्रक्चर एक बनता है, उस पर एक कवर्ड शेड होता है। ये जो मेथड है फीजेबल नहीं है जब आप कमर्शियली काम को करना चाह रहे हैं। क्यों? इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, आपकी लेबर कॉस्टिंग बहुत आएगी, क्योंकि बंदे को बैठ के अंदर घुस के काम करना पड़ेगा और आपका आउटपुट कम आएगा। रीज़न बीइंग, आप इसमें एरेशन नहीं मेंटेन कर सकते सही, आप इसमें वाटर के लिए और मॉइस्चर के लिए डिपेंडेंट रहेंगे इवेपोरेशन के प्रोसेस पे। तो इसमें हमारा आउटपुट कम आता है, कमर्शियली वायबल नहीं है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है सर? सबसे बेस्ट मेथड वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आता है विंड्रो मेथड, जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ बनाए हुए हैं। विंड्रो मेथड का जो बेसिस रहता है वो रहता है लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपकी लागत कम से कम आए और आपका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। विंड्रो मेथड में लेबर कॉस्टिंग आपकी कम आती है, एरेशन आपका बेटर मेंटेन रहता है,
वाटरिंग को भी मैन्युपुलेट करना आपके लिए इजी होता है। तो सर सबसे बेस्ट मौसम कौन सा? वर्मी कंपोस्टिंग जो आपका काम है, जो आपका व्यवसाय है, ये 10 महीने का काम है, ये 12 महीने का काम नहीं है। वो 2 महीने कब आते हैं? वो 2 महीने एक बार नहीं आएंगे, वो 60 दिन पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं। 5 दिन एक महीने आ गए, 10 दिन अलग आपकी साइकिल में आ गए, 15 दिन आपकी तीसरी साइकिल में आ गए। तो इस काम को करने का बेस्ट वक्त डिफाइन नहीं है। हर मौसम की एक अपनी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। गर्मी में अगर आप करते हैं तो आपकी कंपोस्ट का प्रोडक्शन जल्दी होता है। रीज़न बीइंग, केचुआ प्राइमरली मॉइस्चर पे डिपेंडेंट रहता है। गर्मी में इवेपोरेशन प्रोसेस ज़्यादा जल्दी होता है, तो केचुआ गोबर खा के खाद जल्दी तैयार करता है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन की बात करनी है, अगर आपको केचुए का मल्टीप्लिकेशन या अंडे का क्लाइटेलम का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा डेवलप करना है, तो आपके लिए सर्दियों का सीज़न बेस्ट रहेगा। ओके, दूसरा सर ये बताइए, जो भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है वो कितने बैचेस स्टार्ट करे और कितना इन्वेस्टमेंट उसको आएगा और क्या उसको प्रॉफिट आएगा? जो भाई मेरे वर्मी कंपोस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो एक रिवर्स कैलकुलेशन इसमें करें। रिवर्स कैलकुलेशन मतलब कि कितना प्रॉफिट या कितना पैसा आप महीने का कमाना चाहते हैं इस व्यवसाय से, और उसके माध्यम से आप वापस जाएं, पीछे जाएं कि कितने बेड आपको एस्टैब्लिश करना चाहिए। 6 महीने में अगर आपको अपना ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करना है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि जितने पैसा जितनी लागत आपने लगाई वो सारा आपका वापस आ गया और आपका प्रॉफिट जनरेशन स्टार्ट हो गया। तो अगर आप 30 बेड से अपनी यूनिट एस्टैब्लिश करते हैं, 30 बेड अगर आप इनिशियली लगाते हैं, तो 6 महीने के टाइम फ्रेम में आपका एक ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। गोबर जो प्राइमरी फीड हमारे केचुए की रहती है, चाहे वो गाय की हो, भैंस की हो, मिक्स हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारा गोबर हो वो बिल्कुल ताज़ा ना हो, बिल्कुल पुराना होना, 10 से 15-20 दिन पुराना गोबर हमारे को चाहिए। ताज़ा गोबर ना लेने का कारण ये है कि उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो आप बेड भी बनाना चाहेंगे वो शेप में नहीं आ पाएगा। ध्यान दें, आपको जो बेड बनाना है वो कब्रनुमा शेप में बनाना है। अगर गोबर में नमी ज़्यादा है तो वो कब्रनुमा शेप आ ही नहीं पाएगी। और अगर गोबर पुराना है, महीना पुराना आपका गोबर है, तो गर्मी की वजह से उसमें डीकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और मीथेन गैस की प्रोडक्शन उसमें शुरू हो जाएगी, जो केचुए के लिए सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए 10 से 15-20 दिन पुराना गोबर हमारे को लेना चाहिए। तो ये बताइए, जो खाद है कितने दिन बाद तैयार हो जाती है? एक बेड से खाद बनाने की जो पूरी साइकिल है वो करीब 2 महीने की रहती है। जितना गोबर आप इस्तेमाल करेंगे उसके 40% खाद आपको मिल जाती है। ओके, दूसरा सर ये बताइए कि 1 किलो गोबर से कितनी खाद तैयार होती है? 1 किलो गोबर से 400 ग्राम के करीब आपकी खाद तैयार होगी, जो कि 40% है जो आपने गोबर इस्तेमाल किया। दूसरा सर ये बताइए, किसान भाई कैसे पहचाने कि खाद अब उनकी तैयार हो गई है? खाद जब तैयार हो जाए तो उसका रंग थोड़ा भुरभुरा सा होगा, आपके बेड पे एक मखमली लेयर होगी डार्क ब्राउन कलर की, और जो गोबर है वो आपका 3 से 4 इंच नीचे चला गया होगा। दूसरा सर ये बताइए, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो किसान भाई हैं वो ट्रांसपोर्ट से कैसे मंगाते हैं, जिसमें कि 24 घंटे लग जाते हैं, 24 से ज़्यादा भी लग जाते हैं, क्या ट्रांसपोर्ट से मंगाना सही है? अगर ट्रांसपोर्ट से मंगाना तो सावधानियाँ क्या क्या रखे हों इसमें? यदि आप ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हमसे केचुआ मंगाते हैं, तो वो केचुआ परफोरेटेड प्लास्टिक क्रेट्स में जाता है, जिससे उसमें एरेशन बनी रहे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस हम जा रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि केचुए की जो हमारी क्रेट्स हैं वो एक के ऊपर एक स्टैक 3 से ज़्यादा ना हो। मैक्सिमम अगर लॉन्ग डिस्टेंस हम जानी है तो 2 ही क्रेट हमारी स्टैक होंगी। दूसरा सर ये बताइए, केचुए की कौन सी वैरायटी सबसे बेस्ट है? केचुए की 3 वैरायटी होती हैं, आइसेनिया फेटिडा, यूड्रिलस यूजिनी, पेरियोनिक्स एक्स्ट्राविकस। मुख्य तौर पे जो वैरायटी यूज़ होती है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए वो आइसेनिया फेटिडा है, जिसको ऑस्ट्रेलियन वॉर्म, टाइगर वॉर्म, रेड वॉर्म भी कहते हैं। सर दूसरा, जिनके यहाँ पे खारा पानी आता है क्या वो भी इसको कर सकते हैं? यदि आपके यहाँ पे आपके क्षेत्र में खारा पानी आता है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप वर्मी कंपोस्टिंग अपने यहाँ पे करें। खारे पानी से आपके गोबर की जो पीएच वैल्यू है वो एसिडिक हो जाती है, जो केचुए के लिए हानिकारक है। सर अगर कोई किसान भाई या कोई भाई या बहन या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बंदा ट्रेनिंग करना चाहता है तो आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं क्या? कोई भी युवा या कोई भी मेरा भाई बहन अगर वर्मी कंपोस्टिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आए,
देखें हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, घंटा, दो घंटा, चार घंटा, पाँच घंटा हमारे साथ बिताएं। उसके लिए एक दो दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिज़ाइन कराया है, जिसमें आपके बेड मेकिंग से लेके प्रोडक्शन, पैकेजिंग, मार्केटिंग, मार्केटिंग में क्या क्या अलग सेक्टर्स हैं, क्या आपकी इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, क्या प्रोडक्ट नॉलेज है, सारे ही टॉपिक्स हम कैटर करते हैं। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारी साइट पर आए अपना कीमती वक्त निकाल के। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और जो मेरे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।